जय हिंद। तो आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि ट्रेन के कोच के जो बाथरूम होते हैं कितने तरह के होते हैं, और जो टॉयलेट होते हैं उसमें होता है ओपन डिस्चार्ज। ओपन डिस्चार्ज का मतलब हुआ कि अगर वाफ्ट या डायरेक्ट नीचे चला जाता है, वो वाफ्ट डायरेक्ट नीचे चला जाता है और जो है पटरियों पर जहां तहां जंग लग जाता है। और खास के स्टेशनों पर क्या होता है, स्टेशनों पर अगर कोच खड़ा है तो खड़ा होने से स्टेशनों गंदा, बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है। तो उसके लिए क्या किया गया, उस गंदगी को हटाने के लिए एक दूसरा टॉयलेट को लाया गया, कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम, इसको बोलते हैं CDTS। तो ये जो ये फिगर देखते रहेगा, और CDTS में जो है CDTS क्या किया कि इसको कंट्रोल करके रखा, जो कि क्या अब स्टेशन पे नहीं गिरेगा तो कहाँ गिरेगा, तो क्या उसी में रह जाएगा, नहीं। तो क्या किया गया कि अगर ट्रेन से खुला, अगर स्टेशन से ट्रेन खुली तो खुलने के बाद उसको क्या किया गया कि अगर 30 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से अगर उस ट्रेन हुआ तो वो वाफ्ट नीचे चला जाएगा। तो क्या हुआ कि रेलवे ने क्या सोचा कि तो भी तो रेलवे जो है ट्रैक गंदा ही हो रहा, तो उसके लिए एक और मेथड लाया, उसको कहते हैं बायो टॉयलेट। तो उससे पहले कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम CDTS जो है, तो अगर बीच में वास्ट गिरता है तो क्या रेलवे पर जंग लग जाएगा। तो उसको बचाने के लिए क्या किया गया, एक लाया गया बायो टॉयलेट। DRDO ने 2011 में एक लाया बायो टॉयलेट। ये क्या करता है, ये एक बायो टॉयलेट क्या करते हैं, इसे बहुत सारे इस तरह से बने हुए रहते हैं, और इसमें क्या होता है अंदर ही में आपको दिखेगा नहीं, और ये सारे ट्रेन में अभी जो यूज हो रहा है वो सारे के सारे हो रहा है बायो टॉयलेट, DRDO के द्वारा बनाया गया था 2011 में। तो ये यूज हो रहा है, तो ये क्या करता है, उसमें क्या डाला हुआ है, उसमें डाल दिया गया बैक्टीरिया और वायरस को। जो वास्ट उसमें जाता है तो वो क्या करता है कि बायो टॉयलेट क्या करते हैं, उसमें छोटे छोटे कंपोजिट को डाल दिया जाता है, और वो क्या करता है, वायरस और जीवाणु क्या करते हैं, उसको डिकम्पोज कर देता है। डिकम्पोज करके गैस के थ्रू उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हर ट्रेन में अभी जो है, हर कोच में ये क्या किया गया है, ये जो बायो टॉयलेट को लगा दिया गया है, बायो टॉयलेट DRDO के द्वारा बनाया गया है। ये इसलिए बनाया गया है कि अगर रेलवे ट्रैक गंदा ना हो, इसके लिए क्या किया गया, बायो टॉयलेट का यूज आज के हर ट्रेन में जो है, हर कोच में बायो टॉयलेट का यूज किया जा रहा है। और ओपन डिस्चार्ज इस तरह से डायरेक्ट वाफ्ट को नीचे गिर जाता था ओपन, और ये क्या कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम, ये कंट्रोल करके रखता था कितना देर स्टे ये। तो इससे क्या होता है, ओपन डिस्चार्ज जो है ये बड़े प्लेटफॉर्म पर तो साफ कर दिया जाता है, लेकिन छोटे छोटे प्लेटफॉर्म पर बहुत गंदा रह जाता है। तो उसके लिए क्या गया था, कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम को लाया गया था CDTS। तो CDTS से भी तो कोई फायदा नहीं हुआ, CDTS से तो भी गंदा होने लगा। तो क्या किया गया, उस CDTS क्या करता है, 30 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से चलने पर जो है वास्ट नीचे चला जाता, तो भी जो है रेलवे ट्रैक पर तो जंग लग ही जा रहा था। तो उसके लिए फिर से लाया गया बायो टॉयलेट DRDO के द्वारा 2011। ये कंपोजिट कर देता है, इसमें डाला हुआ रहता है वायरस और जीवाणु, तो ये डिकम्पोजिट कर देता है, डिकम्पोजिट करके गैस के थ्रू वापस ऊपर कर दिया जाता है। अगर इसमें उसमें लिखा हुआ था यहाँ कचरा वगैरह ना डालें, तो कचरा न डालने तो आज के तो बिहारी सब तो डाल देता है। अगर आप कोच के अंदर है तो उस टॉयलेट को देखकर आप नहीं पता कर सकते कि ये जो है ओपन डिस्चार्ज है या कंट्रोल डिस्चार्ज सिस्टम है या बायो टॉयलेट सिस्टम है। तो ये उसके लिए हम लोग उसको पहचानने के लिए क्या, हम लोग को कोच से बाहर आना पड़ेगा। तो कोच के बाहर आने के बाद उस फिगर को देखना होगा, मतलब नीचे से देखना होगा कि वो टॉयलेट है जो ओपन डिस्चार्ज है या कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम है या बायो टॉयलेट है। तो नीचे से देखना पड़ता है उस, अगर आप सोचिए कोच में ही अगर बाथरूम गए हैं टॉयलेट गए हैं, तो उससे उस टॉयलेट को देखकर आप नहीं पता कर सकते हैं कि कौन सा ये टॉयलेट है।